अगर आप भी पांड्या और कोहली को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी टीम की एक और बहुत बड़ी हार के बाद विराट कोहली ने पांड्या पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या बोले कोहली पांड्या पर, ये तो आपको बताएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली और पांड्या में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आरसीबी और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच में हाल ही में एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। मैच में दोस्तों टॉस जीता डुप्लेसिस ने अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी चुनी और मैदान में आते ही अच्छा प्रदर्शन करने के बजाय शून्य पर आउट हो गए। लेकिन उनके अलावा विराट कोहली का 50 और रजत पाटीदार की 32 गेंदों में ही 52 रनों की पारी ने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। ये दोनों खिलाड़ी न सिर्फ 200 टीम को 100 के पार ले गए बल्कि लगभग 150 भी बनने वाले थे इनकी वजह से ही। मैक्सवेल भी बीच में आकर 33 रन लगा गए, जिससे आरसीबी की टीम को अच्छी खासी बढ़त मिली और अंतिम पलों में कुछ टुकड़ियों जैसी पारियों के चलते टीम 170 तक पहुंच गई थी। एक अच्छा लक्ष्य दिया गया 171 का हार्दिक पांड्या की पलटन को। दोस्तों, मैदान में आकर हार्दिक पांड्या की टीम की शुरुआत भी अच्छी रही थी। साह और शुभमन गिल एग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे और 5वें ओवर तक स्कोर 50 तक ले गए, लेकिन फिर साह का विकेट गिरा और उसके बाद तो बैक टू बैक विकेट्स गिरते ही चले गए। शुभमन गिल भी 30 रन लगाकर आउट हुए। इसके बाद साइज दर्शन 20 रन और हार्दिक पांड्या खुद 3 रन पर आउट हो गए थे। 90 पर 4 बड़े विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि जीत अब नामुमकिन है गुजरात टाइटंस की टीम के लिए। लेकिन जब तक मैदान में मिलर और तेवातिया जैसे बैट्समैन हो, भला जीत नामुमकिन कैसे हो सकती है। ये दोनों तो पहचाने गए फिनिशर हैं। जहां मिलर के बल्ले से दोस्तों 24 गेंदों में 39 रन निकले, तो वही दूसरी तरफ राहुल तेवातिया ने भी 25 गेंदों में 43 रन जड़ दिए थे और दोस्तों इसी धाकड़ पारी के चलते मुकाबला अंतिम ओवर तक चला गया, जहां पर 7 रन चाहिए थे और फिर 2 चौके जड़कर बड़ी ही आसानी से गुजरात टाइटंस की टीम ने इस मुकाबले को 6 विकेट के अंतर से जीतकर अपने नाम कर लिया। दोस्तों, ये वाकई में एक शानदार जीत है, क्योंकि इसी लगातार जीत के साथ इस सिलसिले को जारी रखकर अब पांड्या की पलटन सीधा प्लेऑफ में पहली टिकट कटा चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि अपनी टीम के लगातार हार के बाद अब विराट कोहली गुस्सा हैं और अपने बयान में विराट कोहली ने कहा, ये वाकई में एक बहुत बड़ी हार है हमारी टीम के लिए। मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी चुनने का फैसला शायद सही नहीं था। ब्राबून स्टेडियम एक छोटा स्टेडियम है और यहाँ पर चेज करने का फैसला ज्यादा अच्छा रहता। खैर, फैसला रहा तो खिलाड़ियों का परफॉर्म भी उसी हिसाब से करना चाहिए था। हमारी बल्लेबाजी में आज उतनी धार नहीं थी। 170 वाकई में कम है इस छोटे स्टेडियम के लिहाज से। मुझे लगता है कि यहाँ पर लगभग 195 या 200 के बीच में तो लक्ष्य देना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे बल्लेबाज एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आप हर मैच भी तो नहीं जीतते। तो जाहिर सी बात है, आपको अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए और बतौर आरसीबी की टीम हम इस बात को स्वीकारते भी हैं कि इस मैच में हमारी गलती है, कि हमारे गेंदबाजों ने पूरा प्रयास भी किया इस लक्ष्य को डिफेंड करने के लिए, जिसकी तारीफ बनती है। हर्षल पटेल हो या फिर हेजलवुड या फिर शाहबाज, किसी ने अच्छी शुरुआत तो दिलाई थी, पावर प्ले में विकेट्स भी लिए थे, लेकिन उसके बाद उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। खैर, राहुल तेवातिया एक अच्छे बल्लेबाज हैं। एक फिनिशर के तौर पर उन्हें उभरता हुआ देखकर वाकई में खुश हूं और पांड्या को भी एक कप्तान के तौर पर उनको प्लेऑफ में पहुंचने की बधाई देना चाहूंगा। वो वाकई में एक आलिशान कप्तान बन चुके हैं। मुझे तो लगता है कि आगे चलकर कई भारतीय टीम की कमान ही उन्हें ना सौंप दी जाए। खैर, हमें अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए और आगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, विराट कोहली ने जहां हार का ठीकरा अपनी टीम पर फोड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ पांड्या को कांग्रेचुलेट भी किया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और कोहली में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।